नमस्कार, टेबल ट्रीट विद सुतापा में सबका स्वागत है। आज हमारा रेसिपी है भुना गोश्त। ये वैसे बहुत इजी रेसिपी है, पर हाँ, बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्पेशल मसाला बना लेंगे, जिसके लिए 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। इन सबको बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा खुशबू आएगा। इस स्टेज में हमें इसको बंद करके ठंडा करके एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। इसके बाद हम कढ़ाई में 1/2 कप तेल डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। उसमें 2 मीडियम साइज प्याज को बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। प्याज को हाई हीट में हमें भूनना है और इसी टाइम हमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। प्याज भून जाए, फिर मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया और इसको भी 2-3 मिनट तक हाई हीट में हमें फ्राई कर लेना है। दो तीन मिनट के बाद हमें 4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और इसको भी बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, पर लो हीट में। अदरक लहसुन का रॉ स्मेल चला जाए, फिर इसमें हमें और 1 मीडियम साइज के प्याज को डालना है। अब कुछ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, जिनमें से स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। बस इतना ही डालना है। इसमें हमें कोई तरह के गरम मसाले का यूज़ नहीं करना। हमने जो पाउडर बनाए थे वही हम डालेंगे, पर अभी नहीं। अब इसको ढक के हमें 8-10 मिनट तक लो हीट में पकाना है। इस रेसिपी में पानी का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, पर आप पानी कितना डालेंगे वो डिपेंड करेगा आप जो मटन यूज़ कर रहे हैं उसके क्वालिटी के ऊपर। मैंने जैसे 1/2 कप पानी डाल दूंगी, इससे मेरा ये मटन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आपको अगर लगे तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। फिर जो होगा, मटन थोड़ा बॉइल्ड टाइप हो जाएगा, भुना इफेक्ट नहीं आएगा। पानी डाल के फिर से 8-10 मिनट तक हमें इसे लो हीट में पकाना है। फिर थोड़ा सा स्टर करके हमें सारे चीज़ों को मिला देना है। फिर 1/2 कप दही डाल देना है हमें इसमें, और उसको भी बहुत अच्छी तरह से मटन के साथ मिला देना है। फिर हमने जो स्पाइस मिक्स बनाए थे उसका हम 2 टेबलस्पून डालेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। मैंने दूसरे मटन का रेसिपीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। अब हम इसमें एकदम चुटकी भर नटमेग पाउडर या जायफल का पाउडर डाल देंगे और इसको ढक के लो हीट में हमें 20-25 मिनट तक पकाना है, या जब तक आपका मटन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए उतना देर तक हमें पकाना है। मेरा 20 मिनट में अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया। ये कुछ ऐसे दिखेगा, बिल्कुल भी पानी नहीं है, पर सारा मटन सॉफ्ट हो गया। इसको रोटी के साथ या पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है।